आज के लेक्चर में देखते हैं फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल जैसे कि उसमें मैंने बताया था डेटा लिंक लेयर पे होगा, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे हम में ये सेंडर है, ये रिसीवर है, ठीक। अब अपने पास एक पैकेट है, ठीक। इस पैकेट को सेंड करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस पैकेट को उस लिंक पे रखेंगे, ठीक है। तो इसको कहते हैं ट्रांसमिशन टाइम, ठीक। तो उस पैकेट को जो मैसेज है उसको हमने उस लिंक पे रखा, ठीक है। इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था जैसे पहले, कि इसमें क्या फॉर्मूला होता है, पैकेट का साइज क्या है अपॉन उसकी बैंडविड्थ क्या है, ठीक है। तो इतना टाइम लगा ट्रांसमिशन टाइम में, फिर क्या होगा, ये पैकेट जाएगा, ये पैकेट गया यहाँ तक, मान के चलो इतना टाइम लगा, ठीक है। तो ये पैकेट रिसीवर को रिसीव हो गया। तो इस पैकेट के सेंडर से लेके रिसीवर तक जाने के टाइम को कहते हैं प्रोपोगेशन डिले, ठीक है। इसका वो होता है कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस और कितनी वेलोसिटी से पैकेट ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो ये ट्रांसमिशन टाइम हो गया उस पैकेट को उस लिंक पर रखने का, उसके बाद उसको भेजने का रिसीवर तक का टाइम प्रोपोगेशन टाइम, रिसीवर को रिसीव हुआ, रिसीव होके क्यू में रख गया, तो इसको कहते हैं क्यूइंग डिले, इसको हम क्यू टी के नाम से, ठीक है, टाइम फॉर क्यूइंग टाइम है क्यूइंग डिले। उसके बाद फिर उसे प्रोसेस किया, प्रोसेसिंग टाइम है प्रोसेसिंग डिले। प्रोसेस करने के बाद क्या हुआ, या तो यूजर रख लेगा, ठीक है, रखने के बाद। लेकिन अब एक होता था ना कि जैसे एक हमने मैसेज भेजा किसी को, ठीक है, अब उससे उसके पास तक मैसेज पहुंचा कि नहीं पहुंचा ये तो पता होना चाहिए ना। अगर मान के चलो नहीं पहुंचेगा, तो एक मैसेज में मैंने लिखा था हेलो मैसेज भेजना था, ठीक ठीक। मान के चलो एक वर्ड एक पैकेट है, ठीक है, पैकेट का साइज इससे ज्यादा होता है, लेकिन मान के चलो। अब पहला पैकेट भेजा, पहुंच गया, एच पहुंच गया उसको, दूसरा पैकेट पहुंच भेजा नहीं पहुंचा, तीसरा भेजा पहुंच गया, चौथा भेजा पहुंच गया, और पांचवा भेजा नहीं पहुंचा। तो इसने तो भेजा था हेलो और इसको मिला एच एल एल, तो उसे मतलब भी नहीं समझ में आया कि ये क्या भेजा, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, इसका एक तरीका है कि भाई जो ये मैसेज भेजे, इसने मैसेज भेजा, तो ये उसका एक एक्नॉलेजमेंट भेजता है कि हाँ मुझे वो पैकेट मिल गया है, ठीक है। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है एक्नॉलेजमेंट का, जिससे रिसीवर बताता है कि हाँ मुझे ये पैकेट मिल गया है। तो रिसीवर क्या करेगा, एक पैकेट बनाया एक्नॉलेजमेंट पैकेट, और उसको भी उस पर तो रखेगा ही लिंक पे, ठीक है। तो इसको कहते हैं एक्नॉलेजमेंट टाइम, एक्नॉलेज भेजने में कितना टाइम लगा। अब यहाँ रख गया तो ये एक्नॉलेजमेंट यहाँ जाएगा, ठीक है। तो जितना टाइम इसको इस पैकेट को यहाँ जाने में लगा था, उतना ही टाइम इस पैकेट को यहाँ आने में लगेगा, तो फिर से एक प्रोपोगेशन टाइम लगा, ठीक है। तो इतना टाइम लगा एक पैकेट सेंड करने में, ठीक है। तो एक पैकेट सेंड करने में टोटल कितना टाइम लगा, टीटी ये उस पैकेट को उस लिंक पर रखने में, प्लस टीपी वो पैकेट वहां तक ट्रांसफर होने में, प्लस क्यूटी ट्रांसमिशन क्यूइंग डिले, प्लस प्रोसेसिंग डिले, प्लस इस एक्नॉलेजमेंट के लिए जो ट्रांसमिशन टाइम होगा वो, प्लस उस एक्नॉलेजमेंट को इसने रिसीव किया उतना, ठीक है। तो मैंने बताया था पहले ही क्यूइंग डिले और प्रोपोगेशन वो
प्रोसेसिंग डिले, इनका कोई फॉर्मूला होता नहीं है, तो जब तक कोई टाइम नहीं दे रखा होता है तब तक ये दोनों जीरो माना जाता है, ठीक है। तो अगर कहा जाए ये तो वैसे तो इतना बचा, लेकिन ये मान के चलते हैं कि एक्नॉलेजमेंट पैकेट बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ठीक है। तो बहुत छोटा पैकेट होता है तो उसको ट्रांसमिशन टाइम भी उसका जब तक अगर दे नहीं रखा हो जीरो मान के चलते हैं हम, ठीक है। तो टोटल अगर कहा जाए तो एक पैकेट ट्रांसफर करने में कितना टाइम लगा, TT प्लस 2 TP। ये जो पूरी प्रोसेस थी इसको कहते हैं स्टॉप एंड वेट, मतलब भेजो और रुको जब तक एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं हो जाता, ठीक है। तो भेजो और उसके बाद वेट करो जब तक कि मैसेज का एक्नॉलेजमेंट नहीं आ जाता, ठीक है। तो स्टॉप एंड वेट में इतना टाइम लगता है, ठीक है। तो अगर हम ये कहें कि एक पैकेट ट्रांसफर करने में, ठीक है, इतना टाइम लगा, तो अगर बोला जाए कि अगर जैसे इसका एफिशिएंसी निकालते हैं अगर हम जैसे, ठीक, तो एफिशिएंसी कितनी होगी, ठीक, एफिशिएंसी जो होती है ईटा से वो करा जाता है, एफिशिएंसी क्या, देखो टोटल बाकी सबके बाद भी इतना टाइम लगा एक पैकेट को सेंड करने में, तो एक पैकेट सेंड करने का एक्चुअल टाइम कितना होना चाहिए जितने में वो उस लिंक पर रखता नहीं है तब तक, तो एक्चुअल जो ट्रांसमिशन टाइम था वो TT टाइम लगा एक पैकेट को सेंड करने में, एक पैकेट को उस लिंक पर रखने के लिए टोटल TT टाइम लगा, ठीक है। और उसने टाइम के लिए और टोटल टाइम कितना लगा, TT प्लस 2 TT, मतलब इतना तो टोटल टाइम लगा बट उसमें से यूजफुल कितना था, जितनी देर में वो पैकेट हम उस पर रख रहे थे बस उतना ही यूजफुल था, बाकी जो टाइम था वो सब वेस्ट था, ठीक है। तो इसको अगर हम ये कहेंगे, ठीक है, तो इसको ये भी कह सकते हैं कि यूजफुल टाइम डिवाइड बाय टोटल टाइम, यूजफुल टाइम वो टाइम है जितनी देर में वो पैकेट प्रोसेस हुआ, तो वो पैकेट तो बस यहां रखने में प्रोसेस हुआ, बाकी जाने का टाइम तो एक्स्ट्रा ही लगा, इसके बाद तो हम चाहते तो कोई और पैकेट भी भेज सकते थे उसी सेम लिंक पे, और पैकेट भी भेज सकते थे, तो यूज हुआ टाइम इतना था बस, ठीक है। तो ये आ गया, अगर हम इसके ऊपर नीचे TT से डिवाइड कर देंगे ठीक, तो ये हो गया 1, ये हो गया 1 प्लस 2 TP अपॉन TT। अब अगर हम एक ये मान के चलते हैं एक अल्फा है उसका वैल्यू है TP अपॉन TT, तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 प्लस 2 अल्फा, ठीक है। तो जो एफिशिएंसी है वो निकल के आई 1 अपॉन 1 प्लस 2 अल्फा, किसके लिए, स्टॉप एंड वेट के लिए, ठीक है। एक और होता है थ्रोपुट, थ्रोपुट का मतलब है कि पर सेकंड कितना पैकेट भेजा, मतलब कितना हो जाएगा, ठीक है। तो अगर उसका जो जो लेंथ था पैकेट का वो एल था, तो थ्रोपुट हो गया एल अपॉन TT अपॉन 2 PT, लेंथ अपॉन टाइम, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें अगर जैसे ऊपर इसको कैसे और चेंज कर सकते हैं, सॉरी, ठीक है। तो इसको अगर जैसे हम ऊपर नीचे बैंडविड्थ से डिवाइड कर दें, तो अगर बैंडविड्थ से डिवाइड कर देते हैं तो क्या बनेगा, बैंडविड्थ से डिवाइड कर दो इसको LYB B और
ऊपर वाले टर्म को बी से डिवाइड कर दिया, वो कर दिया, तो ये हो गया एल अपॉन बी, किसको कहते हैं, टी टी, टी टी इंटू बी अपॉन टी टी प्लस टू टी पी। ठीक है, तो अगर ऐसे इतने को ठीक, अब अगर जैसे ये बोला जाए तो ये चीज तो एफिशिएंसी ही है ना, टी टी अपॉन टी टी प्लस टू टी पी, ये आया। तो ये देखो ये क्या है, ये तो एफिशिएंसी ही थी, तो इसको थ्रोपुट कह सकते हैं, एफिशिएंसी इंटू बैंडविड्थ। तो थ्रोपुट आया एफिशिएंसी इंटू बैंडविड्थ। ठीक है, तो थ्रोपुट निकल के आ गया अपना एफिशिएंसी इंटू बैंडविड्थ। तो तीन फॉर्मूले हो गए इसके लिए। पहले चीज तो हो गया कि टोटल टाइम कितना लगा, टी टी प्लस टू टी पी, एफिशिएंसी हो गई यूजफुल टाइम अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो ये निकल के आया वन अपॉन टू एल्फा, जहां एल्फा है टी पी अपॉन टी टी। इसके बाद थ्रोपुट निकालेंगे, तो थ्रोपुट होता है कि जो लेंथ है पैकेट की अपॉन डिवाइड बाई जो टोटल टाइम लगा। ठीक है, तो ये अगर ऊपर नीचे एल है उसमें बैंडविड्थ से डिवाइड किया और बैंडविड्थ से मल्टीप्लाई कर दिया, तब इसको कह देंगे टी टी। ठीक है, और जब बैंडविड्थ कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा टी टी प्लस टी टी अपॉन टी टी प्लस टू टी पी, इसको कहते हैं एफिशियंसी। तो थ्रूपुट निकल के आ गया एफिशियंसी इंटू बैंडविड्थ। तो ये हो गया फ्लो कंट्रोल का एल्गो। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आया कि कुछ प्रॉब्लम्स आई। ठीक है, अब वो प्रॉब्लम्स किस तरह से आई वो देख लेते हैं। ठीक, तो पहली चीज तो कुछ फॉर्मूले जो निकाले थे वो लिख लेते हैं, वन अपॉन वन प्लस टू एल्फा, एल्फा इज इक्वल टू टी पी अपॉन टी टी। ठीक है, और थ्रोपुट इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी इंटू बैंडविड्थ। तो ये तीन फॉर्मूले जैसे अभी निकल के आया अपने पास। ठीक है, अब ये देखते हैं, मान के चलो बोला जाए, क्वेश्चंस जैसे कई तरह के हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे एक क्वेश्चन है कि अगर टी पी इज इक्वल्स टू दे रखा है, प्रोपोगेशन टाइम एक मिली सेकेंड, ट्रांसमिशन टाइम भी है एक मिली सेकेंड। ठीक है, तब टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी। ठीक है, तो अब एफिशिएंसी निकालनी है, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है वन अपॉन वन प्लस टू एल्फा। ठीक है, एल्फा का वैल्यू होता है टी पी अपॉन टी टी, तो टी पी है वन बाई वन, एक हो गया एल्फा की वैल्यू यहाँ, तो आया वन अपॉन वन प्लस टू यानी कि वन बाई थ्री। ठीक है, तो एफिशिएंसी हो गई इतने, वन बाई थ्री एफिशियंट है ये। ठीक है, तो अगर परसेंटेज में पूछा जाएगा तो हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया, 33.33% एफिशियंट है वो चैनल। ठीक है, अब मान के चलो कि एक क्वेश्चन इस तरह से आए, क्वेश्चन है कि अगर एफिशिएंसी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50% है, ठीक, टी पी वन एम एस है, टी टी भी वन एम एस है। ठीक है, और बोला जाए कि एफिशिएंसी जो है 50% से ज्यादा है, ठीक है, या टी टी, अभी अपने पास टी टी नहीं है, बैंडविड्थ दे रखा है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एक क्वेश्चन है जिसमें कोई बैंडविड्थ दे रखी है। ठीक है, बैंडविड्थ है 4 Mbps। ठीक है, और एफिशिएंसी बोला है कि एफिशिएंसी जो है
वो है 50%, बैंडविड्थ है 4 Mbps, एफिशिएंसी है 50%। ठीक है, तो अगर थ्रोपुट पूछा जाए तो थ्रोपुट इज इक्वल टू होता है एफिशिएंसी इनटू बैंडविड्थ, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो एफिशिएंसी हाफ है तो ये हो जाएगा 1/2 इनटू 4 यानी कि 2। ठीक है, तो थ्रोपुट कितना हो गया, 2। ठीक है, 2 Mbps थ्रोपुट हो गया। अब इस तरह से एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, थ्रोपुट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये देख लिया हमने। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, उसमें ये दे रखा है कि देखो, अगर ये इस तरह से दे रखा है किसी चीज में कि एफिशिएंसी 50% से ज्यादा हो या हाफ हो, ठीक है, हाफ से ज्यादा हो, एफिशिएंसी इतने से ज्यादा होनी चाहिए, तो उस केस में देखो क्या होगा, 1/1 + 2α। ठीक है, और पूछा जाए कि जो पैकेट लेंथ है उसे निकालने का फॉर्मूला बनाना है, तो 1/1 + 2α इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, एफिशिएंसी होती है इतनी, ठीक, इसको 1/2 कर दिया। ठीक है, हाफ से बराबर या ज्यादा होना चाहिए, तो चलो ज्यादा इतना होना चाहिए, एफिशिएंसी शुड टू बी ग्रेटर देन 1/2। अब ये उस तरफ ले जाएंगे तो 1 + 2α, ठीक है, लेस देन 2। ठीक है, कैसे आएगा देख लेते हैं, जब आएगा तो ये इस तरफ आएगा, ठीक है, और जब रिवर्स, इसको ये भी कह सकते हैं ना, 1 + 2α इज लेस देन इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब 2α 1, ठीक है, अल्फा शुड बी, सॉरी, या तो ये होना चाहिए कि अल्फा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2, या ठीक है, अल्फा को क्या कहते हैं, TP/TT। ठीक, प्रोपोगेशन टाइम क्या होता है, इसको ये भी कह सकते हैं, प्रोपोगेशन टाइम को क्या लिखते हैं, प्रोपोगेशन टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, और ट्रांसमिशन टाइम होता है लेंथ अपॉन बैंडविड्थ, ये इससे कम होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इसको करेंगे तो आएगा DV/LV। ठीक है, ये अब अगर पैकेट लेंथ निकालनी थी, पैकेट लेंथ के लिए फॉर्मूला कैलकुलेट करना था, तो 2 dB इधर आ जाएगा, शुड बी लेस देन, ये आना चाहिए, इसका मतलब है L शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 dB/V। जो पैकेट लेंथ है इट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 dB डिवाइड बाई वेलोसिटी। ठीक है, तो इतना होना चाहिए। ठीक है, और अगर बोला जाए कि टीपी और टीटी में क्या रिलेशनशिप होना चाहिए, अगर वेलोसिटी वो एफिशिएंसी उतनी है, तो ये है अल्फा मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू हाफ, यानी कि TP/TT मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू हाफ, यानी कि जो टीपी है वो ट्रांसमिशन टाइम से आधा या उससे कम होना चाहिए। ठीक है, जो प्रोपोगेशन टाइम है इट मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू TT/2, और इसको ही कह सकते हैं कि जो TT है वो ये। ठीक है, तो अगर बोला जाए एफिशिएंसी 50% से ज्यादा है, उसके लिए पैकेट लेंथ के लिए फॉर्मूला निकालो तो ऐसे निकलेगा, उसके लिए अगर टीपी और टीटी में संबंध बताना है तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन आता है जिसमें बोला जाए कि उसका, अगर इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है, कि अगर प्रोपोगेशन टाइम, देखो डी बोला जाए कि प्रोपोगेशन टाइम जो है वो है 1 ms, ठीक है, और जो बैंडविड्थ है वो है 4 Mbps, और पूछा जाए पैकेट लेंथ कितनी हो ताकि जो एफिशिएंसी है वो 1/2 से ज्यादा या इक्वल हो।
ठीक है, तो उस केस में देखो क्या होगा, इससे देख लेते हैं। टी टी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2TP होना चाहिए, ठीक है। टी टी को ही कहते हैं लेंथ अपॉन बैंडविड्थ, टी पी हमें 1 दे रखा है तो ये 1 हो गया। तो एल शुड बी ग्रेटर देन 2 × 4, मतलब पैकेट शुड बी ग्रेटर देन 8, ठीक है। तो इतने 8 से साइज एल मस्ट बी, जो पैकेट लेंथ है इट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 होना चाहिए, ठीक है। तो ये आ गया अपना, ठीक। तो इस तरह से अगर हमें क्वेश्चंस कहीं पर दे रखा होगा तो वो कैलकुलेट कर लोगे तुम, ठीक है। अब लेंथ आ गया तो ये कंडीशन आ सकती है, ये निकालने को आ सकता है, इसके बीच में वो आ सकता है कि क्या संबंध होगा जब एफिशिएंसी हाफ से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आ गया अपना क्वेश्चंस, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं कि अभी तक तो ये था कि कोई दिक्कत नहीं थी, अब प्रॉब्लम्स कौन कौन सी आ सकती हैं। अब कुछ प्रॉब्लम्स ये हो सकती हैं कि पहला प्रॉब्लम है कि अगर डेटा पैकेट लॉस हो गया, ठीक है। तो अगर ये पहली प्रॉब्लम है, ठीक, पहली प्रॉब्लम है, मान के चलो क्या हो जाए, ये सेंडर है, ये रिसीवर है, ठीक है। अब सेंडर ने मैसेज भेजा इसके पास, ठीक है, डेटा पैकेट भेजा इसके पास, पहला डेटा था चला गया, ठीक, इसके पास एक्नॉलेजमेंट भेजा आ गया, ठीक। अब इसने दूसरा पैकेट भेजा, ठीक, अब क्या हुआ, इसने दूसरा पैकेट भेजा और वो कहीं मिस हो गया। जब मिस हो गया तब क्या होगा, ठीक। तो अगर इसने पहला पैकेट भेजा, चलो चला गया, दूसरा डेटा पैकेट भेजा, वो मिस हो गया, मिस हो गया तो ये एक्नॉलेजमेंट भेजेगा नहीं, जब तक ये एक्नॉलेजमेंट भेजेगा नहीं तब तक सेंडर को पता नहीं चलेगा कि भाई मेरा पैकेट भी कहीं लॉस हुआ है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में एक कॉन्सेप्ट आया टाइम आउट का, ठीक है, टाइम आउट। तो टाइम आउट का कॉन्सेप्ट आया, और टाइम आउट के कॉन्सेप्ट जब लेके आए तो जो स्टॉप एंड वेट था उसमें जब टाइम आउट टाइम का वो लगा दिया तो इसको कहने लगे स्टॉप एंड वेट ARQ, ठीक है, इसको कहने लगे स्टॉप एंड वेट ARQ। स्टॉप एंड वेट था कि वेट करो एक्नॉलेजमेंट का, एक्नॉलेजमेंट वेट हो जाए, जैसे रिसीव हो जाए फिर डेटा भेजो, हो गया स्टॉप एंड वेट। स्टॉप एंड वेट में जब टाइम आउट का कॉन्सेप्ट लेके आ गया तो वो हो गया स्टॉप एंड वेट ARQ, और इसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। इसमें क्या होता है कि एक टाइम तक अगर हमें उसका एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं होता है तो टाइमर स्टार्ट हो जाता है जैसे ही पैकेट सेंड करते हैं, तो जैसे ही वो टाइम आउट होता है, ठीक है, तो वो सेम पैकेट दोबारा भेज दिया जाता है, ठीक है। तो वो क्या किया, वो सेम पैकेट दोबारा भेज दिया, तो इसको कहते हैं टाइम आउट, ठीक है। अब दूसरा प्रॉब्लम आया, ये तो था जब डेटा पैकेट लॉस होता है, ठीक है, जब इसको कहते हैं देन डेटा पैकेट लॉस, ठीक। दूसरा कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, जब एक्नॉलेजमेंट पैकेट लॉस्ट होता है तब क्या होता है, मान के चलो इसने डेटा भेजा उसे रिसीव हो गया, अब जब उसने एक्नॉलेजमेंट भेजा तो वो कहीं खो गया, कहीं खो गया तो क्या होगा, कहीं खो गया तो ये उतनी देर तक वेट करेगा टाइम आउट टाइम तक, और जैसे ही उसे एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं होगा तो फिर से डेटा भेज देगा, ठीक है। तो उसने फिर से डेटा भेज दिया, अब देखो ये जो डेटा पहुंचा है ये डुप्लीकेट डेटा है, क्यों,
क्योंकि इसे तो नहीं पता कि ये वही वाला पैकेट भेज रहा है जो उसने पुराना भेजा है कि नया पैकेट है। तो वो जब जाएगा तो वो रिसीव हो जाएगा और डुप्लीकेट पैकेट के रूप में सेव हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट आया, स्टॉप एंड वेट प्लस टाइम आउट किया था। उसके बाद इन्होंने क्या किया, उसी में एक सीक्वेंस नंबर दे दिया पैकेट को, टू पैकेट्स। ठीक है, तो इसमें क्या किया, डेटा पैकेट वन। तो जैसे ही इससे अगली बार जब इसे एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला तो इसने फिर से वही डेटा पैकेट भेजा। तो जब इस बार इसको रिसीव होगा तो उसे पता चल जाएगा कि ये डुप्लीकेट पैकेट है और इसको सेव नहीं करेगा लेकिन इसे लगेगा कि कुछ तो गलत दिक्कत हुई थी जिसके कारण उसने दोबारा से पैकेट भेजा है। तो ये समझ जाएगा कि या तो जो मैंने एक्नॉलेजमेंट भेजा था वो रिसीव नहीं हुआ, तो क्या करेगा, ये फिर से एक्नॉलेजमेंट भेज देगा। ठीक है, तो ये हो गया जब एक्नॉलेजमेंट पैकेट लॉस्ट होता है तब क्या होता है। ठीक है, अब एक और केस होता है कि जब डिलेड एक्नॉलेजमेंट में क्या होता है, डिलेड एक्नॉलेजमेंट में होता है ये सेंडर है, ये रिसीवर है, इसने इसको पहला पैकेट भेजा और इसने इसका एक्नॉलेजमेंट भेजा। ठीक है, जब इसने इसका एक्नॉलेजमेंट भेजा तो क्या हुआ, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई। जैसे हम लोग मैसेज भेजते हैं तो चार मैसेज भेजे, पता चला पहला वाला मैसेज बाद में पहुंचता है, बाकी तीन पहले पहुंच जाते, क्यों, पहले वाले में नेटवर्क कंजेशन आ जाता है। और बाद में थोड़ी देर बाद पता चलता है, कहो अगले दिन आए उसका कि वो रिसीव हुआ है वहां पर। तो इस तरह से नेटवर्क में भी होता है। ठीक है, तो इसने इसको भेजा, अब इसने एक्नॉलेजमेंट भेजा तो वो लेट हो गया। ठीक है, लेट नेटवर्क में खो गया तो क्या हुआ, ये तो टाइम आउट टाइम तक वेट किया। ठीक है, जब टाइम आउट टाइम तक वेट किया और जैसे ही टाइम आउट टाइम हुआ तो इसने फिर से पैकेट वन भेजा। ठीक है, तो जब इसने पैकेट वन भेजा तो क्या किया, इसको पता चल गया कि इसका पैकेट खो गया था कहीं, तो फिर इसने एक्नॉलेजमेंट भेज दिया। ठीक है, जैसे इसको एक्नॉलेजमेंट मिला तो इसने क्या किया, दूसरा पैकेट भेजा। ठीक, अब इसको दूसरा पैकेट भेजा तो मान के चलो दूसरा पैकेट कहीं खो गया। ठीक है, दूसरा पैकेट कहीं खो गया। ठीक, और खोने के बाद क्या हुआ कि ये वाला पैकेट दौड़ता यहाँ रिसीव हो गया, इतना लेट हो गया कि इस टाइम पे रिसीव हुआ। तो जब ये वाला एक्नॉलेजमेंट इसे रिसीव होगा, ठीक है, और टाइम आउट टाइम के पहले रिसीव हो गया, तो ये तो सोचेगा कि मैंने जो D2 पैकेट भेजा था वो चला गया, अब ये क्या करेगा, D3 पैकेट भेज देगा। और इस बंदे को, रिसीवर को, कभी भी ये वाला पैकेट तो मिल ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो इस तरह की प्रॉब्लम हुई इसमें। तो क्या किया, अब इसके लिए उन्होंने कहा चलो अभी तक तो जब सीक्वेंस इसमें पैकेट में दिक्कत होती थी तो सीक्वेंस नंबर का यूज किया था, तो हमने कहा कि चलो एक और सीक्वेंस नंबर ऐड कर दो, किसके लिए, एक्नॉलेजमेंट के लिए। तो इसने क्या किया, एक्नॉलेजमेंट के लिए भी सीक्वेंस नंबर ऐड कर दिया। अब सीक्वेंस नंबर कैसे ऐड किया, कि जब ये वाला पैकेट, जैसे एक्नॉलेजमेंट है, ये एक्नॉलेजमेंट के साथ एक सीक्वेंस नंबर भेजता है, वो नंबर होता है अगले वाले पैकेट का नंबर जो उसे चाहिए। तो ये D1 के बाद क्या हुआ, एक्नॉलेजमेंट 2, मतलब अब पहला पैकेट रिसीव हो गया, अब तुम दूसरा भेजो। ठीक है, और जब ये कहीं खो गया तो इसने फिर से D1 भेज दिया। तो क्या किया, इसने एक पैकेट को मतलब सेव नहीं किया, पुराना वाला डिस्कार्ड कर दिया, नया वाला रख लिया और फिर से एक्नॉलेजमेंट 2 भेजा। तो जब ये एक्नॉलेजमेंट 2 इसे मिल गया तो इसने पैकेट 2 भेजा। ठीक है, जब पैकेट 2 भेजा तो पैकेट 2 भेजने के बाद ये वाला पुराना एक्नॉलेजमेंट इसे रिसीव हुआ। जब पुराना वाला एक्नॉलेजमेंट रिसीव हुआ तो वो फिर से एक्नॉलेजमेंट 2 आया, तो ये समझ गया कि ये वाला पैकेट क्या है, डुप्लीकेट पैकेट है।
तो जब डुप्लीकेट पैकेट समझ गया तो क्या करेगा, वेट करेगा एक्नॉलेजमेंट के इसके लिए। तो अगर ये पैकेट अब खोएगा तो क्या करेगा, टाइम आउट के बाद फिर से D2 पैकेट भेज देगा, ठीक है। ये D2 पैकेट भेजेगा, फिर ये क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट भेजेगा इसका 3। तो अब ये D3 पैकेट भेजेगा, ठीक है। तो इस तरह से पैकेट चलेगा। तो ये प्रॉब्लम थी जो कि उसमें आ रहा था उस वाले में। तो अब इस वाले पैकेट मतलब सिलेक्टिव स्टॉप एंड वेट में आ रहा था, अब स्टॉप एंड वेट ARQ में ये प्रॉब्लम दूर किया। इसके लिए पहले टाइम आउट लगाया गया था, उसके बाद सीक्वेंस नंबर पैकेट्स के लिए और सीक्वेंस नंबर एक्नॉलेजमेंट के लिए, ठीक है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स और उनका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब जैसे अब हम ये एक क्वेश्चन था कि अगर एक जो इसके क्वेश्चंस बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अगर हम 10 पैकेट्स भेजें, ठीक है, और हर एक चौथा पैकेट लॉस हो जा रहा है, तो कितने टोटल पैकेट्स हमको भेजने पड़ेंगे, पहला ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो मान के चलो हमने स्टॉप एंड वेट से 10 पैकेट भेजे ARQ से, ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, आठवां, नौवां, दसवां, ये पैकेट्स जाने हैं। अब हमने पहला भेजा, कोई दिक्कत नहीं हुई, दूसरा भेजा, कोई दिक्कत नहीं हुई, तीसरा भेजा, कोई दिक्कत नहीं, हर एक चौथा पैकेट लॉस्ट हो रहा था, तो ये भेजा तो लॉस्ट हो गया। तो जब लॉस्ट हो गया तो इसका एक्नॉलेजमेंट आएगा नहीं, तो जब इसका एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको टाइम आउट होगा, तो फिर से चौथा भेज दिया। अब ये रिसीव हो गया, पांचवा भी रिसीव हो गया, छठवा भी रिसीव हो गया, और जैसे ही सातवा पैकेट भेजेंगे फिर से खो जाएगा, क्योंकि अब ये चौथा पैकेट है ना, 3 रिसीव होने का, हर एक चौथा पैकेट खो रहा था, तो ये फिर खो गया। तो जब ये खो गया, प्रॉब्लम हो गई, प्रॉब्लम हो गई, तो फिर से एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला, टाइम आउट हुआ, फिर से हमने सातवां भेजा, तो सातवां भेजा रिसीव हो गया, आठवां भेजा रिसीव हो जाएगा, नौवां भेजा रिसीव हो जाएगा, दसवां भेजेंगे फिर लॉस हो जाएगा, क्योंकि अब ये चौथा पैकेट है, लॉस हो जाएगा, तो फिर से टाइम आउट टाइम होगा, फिर से दसवां भेज देंगे और ये रिसीव हो जाएगा। तो टोटल कितने पैकेट खोए, एक ये खोया, एक ये खोया, एक ये खोया, तो टोटल 3 पैकेट दोबारा भेजे। तो जब काउंट करोगे तो टोटल 10+3 मीन्स 13 पैकेट्स हमें भेजने पड़े, ठीक है। तो अगर हर चौथा पैकेट खो रहा था तो टोटल 13 पैकेट्स हमें सेंड करने पड़े, ठीक। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है। तो अब दूसरा बनता है कि अगर 400 पैकेट्स थे, ठीक, 400 पैकेट्स थे, और हर एक बार क्या होता है, जैसे कितने भी पैकेट्स भेजो उसके 20% पैकेट्स हर बार नहीं पहुंचते या लॉस्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो टोटल कितने पैकेट्स हमें भेजने पड़ेंगे, ठीक है। तो उस केस का वो जो उस तरह का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो मान के चलो या प्रोबेबिलिटी कहते हैं कि 0.2 प्रोबेबिलिटी थी पैकेट लॉस्ट होने की। तो 0.2 प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि अगर एक पैकेट भेजेंगे तो 0.2 लॉस्ट होगा, यानी कि 10 पैकेट भेजेंगे तो 2 लॉस्ट होंगे, ठीक है। इस तरह से 100 भेजेंगे तो 20 लॉस होंगे। तो जब अगर मान के चलो टोटल n पैकेट्स हैं, ठीक, तो हमने n पैकेट भेजे, उसमें से कितने, अगर n पैकेट्स हैं और p प्रोबेबिलिटी है, तो n पैकेट्स थे तो पहले n भेजे, उसमें से लॉस्ट प्रोबेबिलिटी है p, तो टोटल लॉस कितना होता है, n इंटू पी, इतने पैकेट लॉस हो गए, तो हमने दोबारा भेजे, दोबारा भेजे, तो इसमें से टोटल n इंटू पी पैकेट दोबारा भेजे थे, फिर से p, इतने प्रोबेबिलिटी रिसीव हो गए। जैसे पहले 100 भेजे, 1000 भेजे, 1000 में से कितने लॉस्ट हो गए, 10 में से 2 लॉस्ट होते हैं, ठीक है, 100 में से 20 लॉस होते हैं, इसलिए अगर n का वैल्यू 1000 है, p का वैल्यू 0.2 है, तो टोटल कितने लॉस होंगे, इतने, पहली बार में 200 लॉस हो जाएंगे,
ठीक है, तो फिर हमें 200 दोबारा भेजना पड़ेगा। तो जब 200 दोबारा भेजेंगे तो अब कितने लॉस होंगे, 200 × 2, ठीक है, यानी कि 40 पैकेट लॉस होंगे। ठीक है, तो पहली बार n इंटू पी आया, फिर n इंटू पी तो 200 था, फिर उसमें p का और मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो 40 आया। तो ये हो गया एन पी स्क्वायर का वैल्यू। अब इतने में से कितने पैकेट इतने लॉस होंगे, अब जब फिर से दोबारा इतने भेजे, इसमें से कितने लॉस होंगे, 40 दोबारा भेजे, अब इसमें से कितने लॉस होंगे, 0.2, यानी कि एन पी क्यूब 8 पैकेट। इस तरह से चीजें चलती रहेंगी, ठीक है। तो पहली बार एन पी आया, एन पी भेजने पड़े, अगली बार एन पी स्क्वायर भेजने पड़े, अगली बार एन पी क्यूब भेजने लगे, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। अब इसको कहेंगे इनफाइनाइट। एक मैथ पढ़ा होगा तो ट्वेल्थ में एपी जीपी होता था, तो ये जीपी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आर की वैल्यू पी हो जाएगा, पी का वैल्यू एक से कम रहेगा, प्रोबेबिलिटी हमेशा एक या एक से कम होता है, ठीक है। तो अगर हम जब इसको उससे सॉल्व करते थे तो टोटल निकल के आता था, ये सम हो जाएगा जीपी का, तो ये टोटल कितना निकल के आता था, ए अपॉन 1 - R, तो यानी कि एन अपॉन 1 - R का जो भी वैल्यू हो या जो प्रोबेबिलिटी है वो, ठीक है। तो अगर एन पैकेट्स भेज रहे हो और उसमें लॉस होने की प्रोबेबिलिटी है पी, तो टोटल कितने नंबर्स कितने पैकेट्स भेजने पड़ेंगे, एन अपॉन 1 - P, अगर, ठीक है। तो अगर इस वाले केस में देखेंगे कि 400 पैकेट्स भेजने थे जिसमें से 0.2 प्रोबेबिलिटी थी लॉस्ट होने की, तो एन डिवाइड बाई 1 - P, ठीक है। तो 400 डिवाइड बाई 0.8, ठीक है, तो 500 आएगा शायद। तो टोटल 500 पैकेट्स भेजने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना कि टोटल कितने पैकेट्स भेजने पड़ेंगे, सम होता था ना, सम इज इक्वल्स टू होता था ए मींस पहला टर्म, तो एन डिवाइड बाई 1 - R, आर मींस पी, तो टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स सेंट, टोटल पैकेट्स कितने भेजने पड़ेंगे, एन डिवाइड बाई 1 - P, ठीक है। तो ये फॉर्मूला निकल के आता है। इस तरह के भी क्वेश्चंस गेट में पूछे गए हैं, तो ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया स्टॉप एंड वेट और स्टॉप एंड वेट ARQ, और जो अदर्स प्रोटोकॉल है वो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।